हेलो। हाँ ठीक है। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट किए थे प्लांट किंगडम, है ना। प्लांट किंगडम में हम लोग क्या देख रहे थे? प्लांट किंगडम में हम लोग ग्रुप देखे थे, कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक बार रिवाइज करिए। बोलिए, थैलोफाइटा। चलिए, थैलोफाइटा। फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। फिर टेरिडो का स्पेलिंग क्या से शुरू होगा, पी से कि टी से? पी साइलेंट होता है, पता नहीं जब साइलेंट है तो रखा क्यों है ना। अब है तो है, अब क्या करोगे, कोई क्वेश्चन किया नहीं वो लोग से ना। इंग्लिश लिटरेचर वाले बताएंगे, जो इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं, कैसे इंग्लिश का लैंग्वेज कैसे डेवलप किया वो लोग को ये बताया जाता है। फिर पी साइलेंट क्यों होता है, नहीं रखेंगे तो क्या बवाल हो जाएगा, ठीक है। बट एनी वेज, तो टेरिडोफाइट्स के बाद क्या आ जाता है? जिम्नोस्पर्म। देखे कल जाके देखा था बुक, वेरी गुड। और फिर एंजियोस्पर्म। अब बोलेंगे कि आखिर इन लोगों को इतना भाग में अलग किए हैं, इसका मतलब, अच्छा टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आखिर ये लोग को भी हम लोग सेपरेट किए ना, आखिर कोई तो कारण होगा कि थैलोफाइट्स को अलग किए हैं, ब्रायोफाइट्स को अलग किए, क्या कारण हो सकती है बताइए। बहुत दिन बाद कहाँ छुट्टी मनाते, सर रूल ख़त्म नहीं हुआ? नहीं हुआ, नो मैम रूल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए, ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि इसको इससे अलग, इसको इससे अलग, इसको इससे अलग, इसको इससे अलग, कुछ तो अंतर होगा ना, बताइए। हाँ, संरचना। ये तो बहुत जनरल बात बोल दी है, मतलब क्या डिफरेंस बताइए। जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा को हम लोग अलग करते हैं किस बेसिस पे? हाँ, मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा को। बट ये बताइए, इधर थैलोफाइट्स को किस किस बेसिस पे करते हैं? थैलोफाइट्स कल पढ़े थे ना हम लोग, बताइए थैलोफाइट ब्रायोफाइट से कैसे अंतर है, इन दोनों का अंतर क्या है, कौन पानी में रहता है? थैलोफाइट्स पानी में रहते हैं और ब्रायोफाइट्स दोनों पे रहते हैं। ढूंढे क्यों इसको बोलते हैं जल स्थल चर, एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं, दोनों में रहता है, दोनों में रहता है। आपको पूछे थे ना कैसे, उसके पास तो पैर है नहीं, चल के थोड़ी जाएगा, कैसे कैसे पॉसिबल है, किस लिए बोला जाता है पानी और जमीन? क्योंकि उसको अपने पूरे जीवन काल को पूरा करने के लिए उसको पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। ज़मीन पे वो आसपास उगा रहेगा, लेकिन अगर उसको प्रजनन करना है, रिप्रोड्यूस करना है, इट विल रिक्वायर वाटर, बिना वाटर के नो लाइफ, है ना। तो ये हो जाता है, तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, राइट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। थैलोफाइट में क्या आ गए? सारे एल्गी, मतलब शैवाल। ब्रायोफाइट्स में क्या आया? मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स। वाह, नीट का एग्जाम में बैठ जाना जी, ठीक है। मॉस हो गया और लिवरवॉर्ट, लिवरवॉर्ट को भी लिवरवॉर्ट ही कहते हैं हिंदी में भी, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, मुझे तो नहीं मिला, आपको मिलता है तो बताइएगा, ठीक है। और ये हो गया शैवाल। अब एक और चीज़ देखिएगा, मज़ेदार चीज़, ये सब में से अगर हम इन लोग को भी और अच्छे से विभाजित करना चाहें तो ये जो पहला तीन देख रहे हैं ना, 1 2 3, इन लोग के पास ना बीज होता ही नहीं है, इनके पास कोई बीज नहीं होता है। अब एल्गी का बीज थोड़ी होगा, वो एल्गी का बीज इसको लो फेंको शैवाल उग जाएगा, ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है, ऐसा होता है। ब्रायोफाइट्स में अगर मॉस और फर्न है तो बोले अरे काई का बीज
खरीद के ले आओ मार्केट से, हो पाएगा ऐसा पॉसिबल? तो इसके पास भी बीज नहीं होता है। टेरिडोफाइट्स पहली बार जमीन पे आना शुरू किए थे, इनके लिए मतलब इनके लिए चैलेंज था। अगर सारी चीज़ इसमें अगर बीज होता है किसी में तो क्या क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है? बीज के लिए क्या चाहिए, मतलब क्या वो पौधा, देखिए वो पौधा आप पे, हम पे और बहुत सारे प्राणियों पे निर्भर करता है कि भाई उसका कोई बीज जो है कहीं ले जाएगा, ठीक है? उसको पॉलिनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अगर वो जानवर, स्पेशली कोई कोई जानवर होते हैं जैसे मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, जब फूल पे बैठती हैं वो साथ में ही पॉलन ग्रेन्स या सीड्स को अपने साथ मतलब चिपक जाता है उनके साथ, और वो जहाँ उड़ के जाती हैं दूसरे फूल पे तो वो पॉलन ग्रेन्स जो है उस फूल पे गिर जाता है, फिर वो फूल में जो फीमेल पार्ट होगा और पॉलन जो आया जो कि मेल पार्ट है दूसरे प्लांट से, वो उसमें जाके बीज बनाएगा। इस तरीके से पौधे प्रजनन करते हैं, मक्खियाँ इंपॉर्टेंट हैं, मधुमक्खियाँ इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम लोग जो सेलफोन यूज़ कर रहे हैं उससे जो रेडिएशन निकल रहा है ना, बीज आर डाइंग। बहुत दिन पहले बोला गया था कि अगर हम लोग ध्यान नहीं दिए तो कुछ ही साल में बीज ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट ख़त्म हो जाएगा, जो नेचुरली प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, और फिर हो सकता है हम लोग भी ख़त्म हो जाए, प्लांट्स नहीं रहेगा तो, ठीक है? ये ऐसा स्पेक्यूलेशन है, लोगों को डराया जाता है थोड़ा सा, लेकिन डरने की बात है भी। पेड़ लगाइए, सोचिए ना, हम लोग क्लास में इतने सारे लोग हैं, वन महोत्सव भी होता है, वो अब आप लोग नहीं मनाते होंगे, आई एम डेड श्योर, बट आई एम वेरी हैप्पी। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स बोलते हैं पेड़ लगाओ, बचपन से ही हमेशा से दिमाग में ठूंस दिए थे, और उस पेड़ को अभी भी करो, पौधा वो पानी देते जाओ। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप वन महोत्सव में एक बार हम लोग को ले जाया गया, पौधा लगाया और फिर हम लोग चले गए जंगल में पौधा लगा के, अगले दिन टीचर पूछी पानी कौन डालने जाएगा उसको। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, और याद रखिए सभी जीव एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर करते हैं। तो अगर हम लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारी चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एनीवेज वापस आइए, उसी तरह इन लोग के लिए तो चैलेंज होता ना, इन लोग नए नए प्लांट्स थे पहली पहली बार, बेचारे को सबको चैलेंज दे दिया जाए। जैसे अभी आप ही लोग हैं, आप लोगों को तैयारी कराया जा रहा है, अभी चुपचाप आप लोग जिसको भी इंटरेस्ट कर रहा है एक फॉर्म जमा कर रहा है और पढ़ने आ जाओ फ्री में। एक बात कह रही हूँ, है ऐसा ही है कि एग्ज़ाम हुआ था? कोई एग्ज़ाम नहीं होता। अब जैसे ही ये जनरेशन मजबूत होगी, ये वाला पोर्शन, उसके बाद जो अगली पीढ़ी होगी, हो सकता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के यहाँ पर पढ़ा रहा हो, है कि नहीं? तो इस तरीके से होगा। तो पहला जो भी है ना, उसको हर पहले कदम को ना प्रकृति भी सपोर्ट करती है। अगर आप अपने खानदान में पहले व्यक्ति हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके साथ सब कुछ है, क्योंकि आप यहाँ पहुँच चुके हैं, फ़ैन के नीचे एसी के नीचे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपको बहुत सपोर्ट मिला है। फिर भी आप दुखी रखे हुए हैं मेरे घर में ये है वो है, तो आपके ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं, ठीक है? चलिए मजबूत करिए अपने आप को। अब ये जो तीन लोग थे ना, इनके पास बीज था ही नहीं, तो ये क्या हो गए? रुकिए, इसको फिर से अच्छे से लिखें, क्या लास्ट में लिखवाएंगे। ये तीनों में बीज नहीं पाए जाते, पर ये दोनों में बीज पाए जाते हैं, तो इसके लिए भी दो टर्म्स हैं, लास्ट में देखेंगे। अब ये दोनों आपस में कैसे लगे? दोनों में बीज पाए जाते हैं, दोनों में बीज पाए जाते हैं, है ना? तो फिर ये दोनों आपस में भिन्न कैसे हैं? और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लिख रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म पहले क्यों? क्योंकि पहले यही आया था धरती पर, इसीलिए हम लोग इसको पहले लिखते हैं, ठीक है? क्यों बोलिए? लड़कियाँ आप लोग से भी रिलेटेड है, कोई फूल देता है तो खुशी होती कि नहीं होती? उनको तो आज भी मिला है, मम्मी पापा देते हैं, ठीक है? तो जिसमें फूल होता है उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं, और जिसमें फूल नहीं होता है वो जिम्नोस्पर्म, ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे। जो फ्लावरिंग प्लांट्स जितने भी हैं, आप ये समझिए जितने भी पेड़ आपको दिख रहे हैं जिसमें फूल उगा हुआ है, फूल दिख रहा है आपको, वो क्या हो गया? एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है? समझ गए? जिसमें नहीं दिख रहा है या तो वो जिम्नोस्पर्म होगा या तो सीडलेस। अच्छा, सीड नहीं है तो फ्लावर होगा? होगा ही नहीं, फ्लावरिंग तो खाली यही है, एंजियोस्पर्म
समझ गए, जितने भी फूल जिस भी पौधे में फूल है वो एंजियोस्पर्म। हम लोग देखेंगे ये पूरी कैटेगरीज को, आगे बढ़ते हैं। इतना समझ गए हैं, समझ गए हैं, लास्ट में लिखा देंगे, ठीक है। हम लोग कल देखे थे शैवाल क्या होता है, इसमें भी तीन तरीके का होता है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ब्रायोफाइट मतलब जो जल स्थलचर हैं, एम्फीबियंस हैं, धरती, बस दो दो लाइन सबका अब अगर आपको याद रह जाता है ना तो वो इस एग्जाम के लिए काफी है, मोर देन एनफ है, ठीक है। चलिए, ब्रायोफाइट्स में हम लोग देखे थे कि रूट शूट होता नहीं है, लेकिन थोड़ा मोड़ा जड़ के जैसा दिखने वाला कुछ मिलेगा आगे जाके इसके अगले जो पौधा है, क्योंकि ये तो पानी के पास ही होता है तो इसको जड़ की क्या आवश्यकता, पानी तो तुरंत मिल जा रहा है। अब जो पेड़ आपका पानी से दूर है तो उसको जड़ चाहिए ताकि वो जड़ को एक्सटेंड करके पानी को खींच सके, ठीक है, तो इसमें जड़ वगैरह होता नहीं है। फिर आपको बताए थे ये देखिए लिवरवोर्ट ऐसा दिखता है, पत्थर चिट्टा है ना, दिस इज लिवरवोर्ट, एक ऐसा पौधा जो पत्थर से एकदम सट के निकलता है, ये लिवरवोर्ट, जो भी इसको पहले देखा था उसको पता नहीं क्यों लिवर जैसा दिखा इसलिए बोल दिया लिवरवोर्ट। उसके बाद मॉस, वही ये देखिए ये है मॉस, ठीक है, हम लोग ने ये कल देखा था। ये वाली लाइट ऑफ कर दूं क्या, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, तो ये देखिए ये है मॉसेस, और इसी के साथ लाइकेंस भी उगते हैं, लाइकेंस भी आज हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए टेरिडोफाइट्स, वही जो पहली बार जमीन पे जो प्रॉपरली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थलचर है ना, वैसे प्लांट्स जो कंप्लीटली पानी छोड़ के आपके धरती पे उगने लगे, ठीक है, और उनको क्या हुआ, उनके पास जरूर जड़ होंगी, तो उनके पास जड़ें विकसित हुई, उनके पास जड़ जो है वो विकसित हुआ, ठीक। ठीक है, तो इनके पास जो जड़ विकसित हुआ वो कैसे जड़ हुए, पहले टाइप के जड़ जो होते, सबसे नवीन जड़, कहने का मतलब है इससे पहले जड़ को भी कोई पौधे में आया ही नहीं था, तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको दे दिया है, इसको देखिएगा इसके अंदर क्या आता है, टेरिडोफाइट्स में क्या आते हैं कोई बताएगा, हम लोग कल देखे थे फर्न का पौधा देखा है, फर्न का पौधा देखा है ना, तो इसमें सारे फर्न्स आते हैं, इसके अंदर सारे क्या आएंगे, फर्न्स, फर्न्स का हिंदी स्पेलिंग देखो फर्न, ठीक है, ये आता है इसके अंदर में, और ये बहुत पहले आए थे, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ये छोटे छोटे जो जो फर्न्स होते हैं ये कहाँ, ये सजावट के लिए काम आते हैं, ठीक है, देखे होंगे आप अपने गार्डन्स में, यहाँ पे भी निकलिएगा। अच्छा, यहाँ से जो इंटरेस्टिंग पौधा पढ़ बता रहे हैं ना वो आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएगा, इसके आगे हम आपको बताएंगे पाइन नट्स के बारे में।
तो जितने भी फर्न्स हैं ये सजावट के लिए काम आते हैं और ये टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत ज़मीन से सटे हुए होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, अभी सब छोटे छोटे ही पौधे होंगे, ठीक है। तो फर्न्स हुआ, अब देखिए फर्न्स कैसे दिखते हैं। ये देखिए, आपको कल बताया था ना सिलाजिनेला, संजीवनी बूटी, मत लिख दीजिएगा संजीवनी बूटी, उसको सिलाजिनेला ही लिखिएगा, इसी स्पीसीज का था संजीवनी बूटी, ठीक है। फिर ये हो गया, ये देखिए, इसको बोलते हैं हॉर्स टेल, टेल इंग्लिश वाले लिखेंगे हॉर्स टेल, हॉर्स टेल। एक और नाम है इसका इक्विसिटम, इक्विसिटम हिंदी वाले दिखाते हैं आपको। हॉर्स टेल क्यों बोला गया, घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है, पता नहीं अब किसी को दिखा ये घोड़े की पूंछ जैसा है तो उसने बोल दिया हॉर्स टेल, है ना। आप लोग भी कुछ नया नया खोजिए, हम भी खोज ही रहे हैं, हम भी उसको भूटान नाम देंगे, जेपीएससी आयोग, कौन सा है क्या है, ये जेपीएससी आयोग, ठीक है। तो देखिए हॉर्स टेल, यही इसका हिंदी नाम इक्विसिटम, ठीक है, लिख लीजिए हॉर्स टेल या फिर इक्विसिटम, ऐसा दिखता है ये पौधा, ठीक है, लगता है कि घोड़े का पूंछ जैसा है, इसीलिए इक्विसिटम, ठीक है। आगे बढ़े, बस जानते जाइए, इसमें ये पौधा होता है, ये पहली बार जमीन पे आया था, जमीन पे आया तो हम लोग इसको गमला में भी रखने लगे और हम लोग इसमें खुद ही पानी डाल देते हैं तो रूट्स भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए फर्न ऐसा होता है, ठीक है, इसको अगर हम गमला में लगा दें तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बहुत महंगा मिलता है ये, पता है कितना महंगा, 80 रुपये बस। अच्छा छोटा पौधा, बड़ा वाला उगता ही नहीं है, अगर बड़ा हो जाए तो 600 से लेके 1000-2000 तक, इतना महंगा पौधा कौन ही लगाएगा, इतना तो पैसा खाने के लिए नहीं है, है ना, अच्छे से जाके होटल में खा लेना भाई, कोई और पौधा लगा लेना, थेथर लगा लेना, कहीं भी उग जाता है, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। चलो अब बात करते हैं हमारे थर्ड ग्रुप, जिसमें कि सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, बीजधारी पौधे, उसमें स्टार्टिंग करेंगे जिम्नोस्पर्म से। जिम्नोस्पर्म क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, जिम्नोस मतलब हो गया अनावृत, मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब बीज, यहाँ लिखेंगे जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स, लिख लीजिए ये लाइन, हमेशा इंट्रोडक्टरी लाइन कैच करिए, जब भी आप क्वेश्चन की ओपनिंग करिएगा ना तो आपको इंट्रोडक्टरी लाइन देना होगा और वो कोशिश करिए रिलेटेड हो, जो भी वर्ड हो उसको विभक्त करके लिख दीजिए। प्रोकैरियोट्स लिखना है तो प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियोट मींस केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना, इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसमें, इस जिम्नोस्पर्म में दो ही पौधे, दो ही ग्रुप आते हैं, एक होता है, मतलब मेजरली दो ग्रुप आते हैं, साइकस और पाइनस, सुने हैं साइकस और पाइनस, पाइनस ट्री सुने हैं, देखे हैं पाइनस ट्री, देखे हैं चील, क्या चील, आप सही बोल रही हैं, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ये गेम जो एग्ज़ाम है ना, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, आप में कितना कॉन्फिडेंस है, ये एग्ज़ाम जो कॉन्फिडेंट, जो बंदा कॉन्फिडेंट है वही निकालेगा, और ये सोचेंगे कि हमको अपना घर को आगे बढ़ाना है, नौकरी करेंगे, सबका उद्धार कर, वो ये जो ये सोचेगा कि हमको करना है, उसके पास सही मोटिवेशन हो कि ठीक है हमको लगता है कि हमारे आसपास के लोगों को अगर हम जाएंगे तो हम सबको उद्धार कर देंगे, अपना भी काम ठीक से कर लेंगे, तो वो कर लेगा, उसके पास एक कांस्टेंट मोटिवेशन होना चाहिए, जिसके पास कांस्टेंट मोटिवेशन होगा ना
वो कुछ भी कर सकता है, चाहे कोई भी रास्ता हो, ठीक है। लेकिन पहले ही से कि अरे मेरे पास लाइफ में बहुत कष्ट है, घर में खाना बनाना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है, भाई बहन को देखना पड़ रहा है, सबको देखना पड़ता है। मान लो किसी का हाउस होल्ड में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो कुछ लोग उग्र भी होते हैं घर में, तो ऐसा तो मज़ा आएगा। मतलब सही बता रहे हैं आपको, 70% से ऊपर हाउस होल्ड ऐसे ही हैं, सब चुपचाप छुपाते रहता है, क्यों फैमिली मैटर कोई क्यों बताएगा, बट होती है। उसके बाद भी एकदम चमक दमक के निकलो, बढ़िया से अपना दिन को जीतो और अचीव योर डे, वो होता है हिम्मत और कॉन्फिडेंस, नो मैटर व्हाट, ठीक है। यहाँ मत दिखने देना कभी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, नेवर लेट एनीबडी सी दैट, बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसमें प्रायः मूसला मूल होती है, मूसला मूल इज टैप रूट। कहाँ है भाई, दिख रहे हैं आप? जनरली टैप रूट्स होती है इसमें, मूसला मूल होती है इसमें, ठीक है। ऑब्वियसली जब जमीन पर रहने लगा, इसको पानी खींचना है तो इसके पास जड़ तो लंबी होगी ना, तो टैप रूट है उसके पास, बढ़िया से जमीन में घुसता है, पानी खींचता है, जिंदा रहता है। पहाड़ियों पे भी ये मिल जाता है, पहाड़ पे तो पानी नहीं होता है ना। तो और इसके कारण सबसे बड़ा पेड़ इसी ग्रुप का है, सेकुआ का पौधा जानते हैं, पेड़ सेकुआ का, रेडवुड ट्री। अरे यहाँ देखिए होगा कहीं लिखा हुआ, बड़ा मुश्किल, ये तो रहा सेकुआ वृक्ष, सबसे लंबा होता है सेकुआ ट्री, रेड, यहाँ देख लेना भाई इसमें लिखा हुआ क्या है। हाँ यस, थैंक यू, रेडवुड ट्री, सेकुआ इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सोचिए मतलब कि इसको जड़ मिल गया तो कितना ऊंचा चला गया, तो पहला जनरेशन को मिला है जड़, बहुत ऊंचा जाओ, सब लोग क्वालिफाई करो, ठीक है। कौन कौन पीटी दे रहा है? हाँ गुड, भूल गया, अरे सब लोग दे रहे हैं, मेंस कौन कौन दे रहा है? सब लोग, हाँ गुड, वैसे ही तैयार करना है, हो गया। नोट करने वाली बात नोट कर ली, इतना देर रुके हुए थे नोट करने के लिए, अरे तुम लोग क्या यार हाथ चलाओ, कर लिए नोट? चलिए अब इसको देखने के बाद मेन पार्ट्स, जैसे जिम्नोस ये होता है, इसमें सबसे बड़ा वृक्ष की स्पीसीज भी मिलती है, सबसे बड़ा वृक्ष सिकुआ है, इसमें प्रायः मूसला मूल मिलती है, और इसमें साइकस और पाइनस, मिलते हैं, जो पेड़ की स्पीसीज है इसमें साइकस और पाइनस मेनली ये दो मिलता है जिम्नोस्पर्म में। कौन कौन? साइकस, मुख्यतः इसमें दो पौधे हैं, साइकस और पाइनस, लिख लीजिए जिम्नोस्पर्म में, ऐसे कर लीजिएगा, साइकस और पाइनस। इस साइकस को उपजने के लिए बहुत चीज़ चाहिए होता है, ये ऐसा, इसके पास जो पॉलन ग्रेन्स होगा ना उसके पास पंख होता है, येल्लो डस्ट करके बोलते हैं, और येल्लो डस्ट अगर है, मतलब जहाँ भी साइकस है, तो आप देखिएगा पीला पीला कुछ उड़ रहा है धूल के साथ, वो साइकस का पॉलन ग्रेन्स उड़ता है। और बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्पीसीज हैं साइकस के जिसको प्रजनन करने के लिए हाथी लगता है, तो हाथी दौड़ के आएगा जहाँ साइकस का पूरा पौधा लगा हुआ है, वहाँ वो धूल उड़ाएगा, और कोई उतना जोरदार धूल नहीं उड़ा सकता हाथियों के अलावा। तो आप देखिएगा एलिफेंट कॉरिडोर्स, मालूम होगा एलिफेंट कॉरिडोर्स के पास में आप देखिएगा ये पौधे
रहते ही रहते हैं, ठीक है। ये होता है, देख रहे हो एक जीव दूसरे पे कितना निर्भर करता है। चलिए लिख लिए, आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा ये साइकोस्पाइनस क्या चीज है भाई, इतना देर से मैम बोल रही है क्या। चलो देख लेते हैं, सिर्फ देख लो, समझ जाओ और दो दो लाइन लिख लेना है, इससे ज्यादा नहीं इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए पहले ये फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। किंगडम प्लांटी को हम लोग अगर ये जो पांच में हम लोग डिवाइड किए हैं तो क्यों, किस बेसिस पे, अगर बीज नहीं है तो उसमें तीन ग्रुप आते हैं, कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और जिसके पास सीड है उसको दो भाग में, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिसके पास सीड नहीं होते उसका नाम है क्रिप्टोगैम्स, नहीं भी याद रहे चलेगा, क्रिप्टोगैम्स। जिनके पास होता है उसको बोलते हैं फैनरोगैम्स, ठीक है। अब देखिए हम लोग फैनरोगैम्स में जिसके पास, अब दो ग्रुप क्यों हैं, जिसके पास फूल हो नहीं होते और जिसके पास फूल होते हैं। जिसके पास फूल नहीं होते उसमें दो तरह के आते हैं, ये हो गया आपका साइकस और ये हो गया, नहीं नहीं ये भी, ये गलत है थोड़ा, साइकस और पाइनस दोनों एक ही जगह आएगा, इसको मत लिखिएगा, है ना, नेट पे यही डायग्राम था, क्या करेंगे। फर्न्स देखिए, हॉर्स टेल, ये टेरिडोफाइट में, मॉसेस और लिवरवोर्ट्स ब्रायोफाइट में, और एल्गी, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये रहा पाइन का पौधा, पाइनस। अब बताइए, अब देखें इसको, इसी कैंपस में है, बड़ा सा है ना, और ये जो अभी आप देखिएगा वो हम यहीं से उठा के ले गए घर में, आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये पाइन का पौधा होता है, जनरली पहाड़ियों पे मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में मिलेगा, और रांची क्या है, पहाड़ है ना, छोटा ही मोटा पहाड़ है भैया, है तो, है ना। तो और ये हिल स्टेशन हुआ करता था, कभी चाय की खेती भी होती थी, पता है ना आपको, है ना। और इतना अच्छा था कि ब्रिटिश लोग को बड़ा, ये बड़ा अच्छा लगा था जगह। पहाड़ी मंदिर क्या था कुछ पता है, अच्छा फांसी दिया जाता था वहाँ, नहीं उससे पहले, ये सब शुरू होने से पहले एक अंग्रेज था जिसको बहुत पसंद आया था, जाके पहाड़ पे रहने लगा, पहाड़ी मंदिर जाए ना वहाँ पे वो रहता था, क्या नाम था, ओसले। हम साइंस वालों को पता है, आप लोग को नहीं पता है ये दादा। और वो जो बड़ा तालाब है वो वही बनाया था, बोला हमको व्यू, आई वॉन्ट टू सी द व्यू, है ना, वो वहाँ पे व्यू के लिए बना लिया था, ये उसी ने बनवाया था, कॉलोनल ओसले। उस आसपास के रीजन के सभी लोग से वो कागज बनवा के सारा जमीन अपने नाम कर लिया था। ये सब डिटेल हमको बहुत कुछ मालूम है क्योंकि हम बहुत कुछ देखे हैं, मतलब पुनर्जन्म में नहीं, लीनिएज में बहुत कुछ पता चला, ठीक है। पहाड़ी मंदिर से हम काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो वहाँ पे ये सारी बातें पता चली, और जेपीएससी वो भी देखे तो पता चला। तो कॉलोनल ओसले वहाँ रहते थे, ठीक है, ठंड का पूरा था, चाय की खेती करवाते थे। अब क्या, कुछ लोग, कुछ साइंटिस्ट लोग, कुछ प्रोफेसर्स जो हैं, जनरली प्रोफेसर बन के साइंस का ही काम करते हैं, साइंटिस्ट वाला ही काम करते हैं, प्रोजेक्ट लिखते हैं, उसमें रिसर्च कराते हैं। तो कुछ लोग रिवाइव करने की कोशिश किए थे चाय की खेती को, लेकिन करा नहीं पाए। और लेकिन उस टाइम ये बहुत अच्छा हिल स्टेशन क्या हुआ करता था, हम मेरे हिसाब से तो अभी भी ये हिल स्टेशन है, मतलब ट्रस्ट मी, मैं इतनी जगह रही हूँ, इतने सारे स्टेट में रही हूँ और इतनी सारी कंट्रीज में रही हूँ सौभाग्य से, मुझे झारखंड में रांची ही पसंद है। क्या क्या चीज़ की वजह से, कंस्ट्रक्शन, देखिए हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं है, एग्रीकल्चर में जब आएंगे तो हमारा जो सॉयल है ना वो कंस्ट्रक्शन के ही लायक है। लैटेराइट सॉयल है कि रेड सॉयल है, ज़्यादा क्या है, रेड, लैटेराइट, लैटेराइट, रेड, जानने के लिए देखिए एग्रीकल्चर की क्लास, ठीक है। तो यस, कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है बट बहुत सारा चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है, उसके चलते प्रॉब्लम हो रही है। बट एनीवेज आइए,
तो पाइनस इसीलिए यहाँ मिलता है अभी भी, अगर मिल रहा है तो समझो अभी भी ये हिल स्टेशन के लायक है, तुम्हारा TRI हिल स्टेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पाइनस मिल जाता है। और इसमें देखिए आपको ये एक मेल पार्ट एक फीमेल पार्ट है, एक ही पौधे में एक ही पेड़ में मेल और फीमेल दोनों मिल जाते हैं, जिसके कारण उसकी प्रजनन रहती है, होते रहती है। तो इसको डिपेंड नहीं करना था अरे फीमेल पौधा तो वहाँ उगा हुआ कैसे इसको पहुँचाएँ, है ना, तो फिर क्या होता है पॉलिनेशन के लिए वो परेशान रहता है। लेकिन इस पौधे में दोनों चीज़ एक साथ है, ठीक है। अब देखिएगा एक और चीज़ दिखाएंगे पाइनस का, ये देखिए ये कभी देखे हैं नीचे खूब गिरा हुआ है, यही है पाइनस का पौधा है और इसी को बोलते हैं चिलगोजा। ये देखिए इसी से पाइन नट्स मिलता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली नट्स इन द वर्ल्ड चिलगोजा, ठीक है। इसी पाइन नट्स जब ये यंग रहता है इसको जब फोड़िएगा निकलेगा इसमें से पाइन नट्स, अब सब वहाँ पहुँच जाएगा। कॉस्टली है भैया, फेंका हुआ था, नोच के देखते हैं इसको, फोड़ के देखते हैं। हाँ ये बहुत वन ऑफ द कॉस्टली चीज़ होती है और इस पर भी बहुत लोग एग्रीकल्चर में ध्यान दे रहे ना, तो झारखंड की तस्वीर बदल सकती है, सोचना होगा इस बारे में लोगों को। बट एनीवेज तो अब देखिए इसको कैसे उगाते हैं, तो YouTube पे भी बहुत लोग ज्ञान देते रहते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ज्ञान था, ठीक ही बोल रहा था ये जो भी बोला, ठीक है। तो पाइन नट्स जो होता है ना मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट होता है। दूसरा आ जाते हैं साइकस, ये देखा है हमेशा बिल्डिंग कॉलेज बिल्डिंग के आसपास लगा वो मिलेगा आपको, मिलता है हाँ। तो ये हो गया साइकस का पौधा। तो इसमें दो ही तरह के पौधे हैं, एक साइकस है और एक पाइनस है। तो पाइनस एकदम पेड़ जैसा लंबा, उसमें चिलगोजा, और ये जो है साइकस है, ये आपको इसका जो लीव्स होता है ना काफ़ी ज़्यादा निडल लाइक होता है, एकदम सुई जैसा दिखेगा। फर्न में कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, फर्न भी ऐसे ही दिख रहा था, लेकिन उसका पत्ता जो है ज़्यादा सॉफ्ट होता है, पर इसको छुइएगा ना तो कांटा जैसा लगेगा, मतलब थोड़ा रफ लगेगा, इतना भी नहीं कि घुस जाए आपने। ये आपको इसी बिल्डिंग में कहीं लगा हुआ है, अभी क्या करिएगा लंच ब्रेक में थोड़ा सा घूम लीजिएगा, अच्छा ये साइकस है, ये पाइनस है, ये एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। तो साइकस इज लाइक दिस। अब इसमें क्या है, मेल और फीमेल पौधा अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें भी नट्स होते हैं, दिखाएंगे आपको, इतना बड़ा हो नहीं पाता है सबके घर में, बहुत रेयर है ये होना। ये देखिए ऐसा होता है, इसके अंदर नट्स होता है, ठीक है। अब खाने मत लगिएगा, बहुत सारा एडिबल नहीं होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है। तो अब हम लोग जान गए जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस। फिर से क्विक रिवीजन ताकि आप सबको मिक्स ना कर दें, हॉचपॉच ना हो जाए। पहला वाला आप देखे थे एल्गी, एल्गी हम जानते हैं शैवाल, वो समुद्री होता है, मतलब एक्वेटिक होता है, पानी में ही रहता है। पहली बार जो समुद्र से निकल के आया वो है आपका क्या, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में हमने क्या देखा, लाइक ये सॉरी मॉसेस और लिवरवॉर्ट्स, पत्थर चिट्टा और काई, है ना, वो गए ब्रायोफाइट्स। अब उसके बाद पहली बार धरती पे जो धावा बोला और वहाँ पे जीत के दिखाया, सबसे लंबा पेड़ वही हो गया, वो है आपका टेरिडोफाइट्स, सेकुआ का रेडवुड सेकुआ, ठीक है। पानी पियो पानी पियो, जमाई मत लो, हाँ बिना देखे हुए बिना नजर में, हाँ हम ही को बोला जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए टेरिडोफाइट में हमने देख लिए इक्विसिटम, मतलब घोड़े का पूछ, है ना, हॉर्स टेल, और क्या देखे, सिलाजिनेला, संजीवनी बूटी, इसका बहुत सारा मेडिसिनल रोल भी है, बहुत बहुत सारा है। टेरिडोफाइट्स जो है ना, हर्ब्स जो ऐसे ऐसे उसमें हर्ब्स है ना, वो आपको बहुत काम देते हैं, आयुर्वेद में बहुत यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। इसके बाद आप आ जाइए जो जिसमें सीड होता है वो ग्रुप में, दैट इज़ फैनरोगैम्स, उसमें पहला ग्रुप है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में हम लोग अभी देखें, ये रहा आपका साइकस, जिसकी जो पत्तियाँ होती हैं निडल लाइक होती हैं, ठीक है। तो वो लिखेंगे आप क्या, सुई नुमा पत्ते होते हैं इसमें, ठीक है, सुई नुमा पत्ते होते हैं इसमें, ये बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ड्राई एरिया में भी हो सकता है, पेड़ पे मिलेगा, ये पहाड़ पे मिलेगा आपको, यहाँ तक ऐसा नहीं कि मरुस्थल में मिलने लगे, थोड़ा सा तो चाहिए कुछ इसको। और क्या, पाइनस, पाइनस आपका क्या, बड़ा सा पेड़, वो लंबा भी जा सकता है और उसमें
पाइन नट्स होते हैं, चिलगोज़ा है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ए चिलगोज़ा इधर आ, पता ही नहीं रहता ना हम लोग चिलगोज़ा क्यों बोला जा रहा है, तो अब समझ में इतना क्यूट दिखता है, तो ठीक है चिलगोज़ा, ठीक है साइकस स्पाइनस डन। अब आ जाते हैं एंजियोस्पर्म पे, मींस जहाँ पे जो सीड है वो नेकेड नहीं है, वो ढका हुआ है किससे, वॉल से, ओवरी वॉल से ढका हुआ होता है, मतलब सिर्फ इतना जानिए नो नेकेड सीड्स और इसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, इतना ही लिखना है, ठीक है, ढके हुए बीज और दूसरा इसमें फूल होते हैं। तो आ जाइए, ये रहा है एंजियोस्पर्म, इसको थोड़ा सा देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर आपका फ्रूट डेवलप होता है, फ्लावर, आपको पता है ना फूल से ही नहीं, बीज तो बीज बीज तो होता ही है और फिर क्या होता है उसके बाद, फल होगा, फूल से ही फल होता है, पता है ना, हमको बहुत धक्का लगा था, किसमें नहीं होता है, इस पौधे में हो, मतलब इस ग्रुप में जो फूल है, देखिए फूल का टाइम ना बहुत छोटा भी हो सकता है, वो आपको दिखेगा भी नहीं इतना कम टाइम के लिए, किसी में फूल जो होता है ना बहुत बड़े साइज का होता है आपको दिख रहा है। अब इसीलिए आप देखिए जो हिंदी में क्या बोलते हैं मंजर, मंजर कितने देर के लिए होता है, कुछ ही क्षण भर होता है, मतलब क्षण भर मतलब एक सेकंड नहीं, जैसे आम का मंजर होता है, आम का फूल होता है, आम का मंजर बोलते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसके बाद उस पर फल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, फूल होता है। अब आप उसको शायद आपने ध्यान कभी उस तरीके से देखा नहीं, अब एक बॉटनिस्ट की तरह देखिएगा तो आपको सब में फूल नज़र आ जाएगा, ये बॉटनी वाले के लिए छोड़ दीजिए, है ना, फूल होता है, आपको ढूंढ ढूंढना होगा, अब सब में ढूंढिएगा तो, है ना, विचार के लिए, लेकिन जेपीएससी निकालना है तो वो अलग चीज़ है और ये ज्ञान अलग चीज़ है, आप फ्री टाइम में ये कर सकते हैं, होता है ना रिलीफ के लिए गार्डन चले गए तो वहाँ पे भी गार्डन में देख रहे हैं कौन सा एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, किस में फूल है नहीं है, है ना। तो अब देखिए ये क्या चीज़ है, इसमें फ्लावर्स मिलते हैं, अब इसमें भी विभाजन है लेकिन उस पर नहीं जाएंगे, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स, एनसीईआरटी यहाँ रोक चुकी है तो हम भी यहाँ रुक जाएंगे, ये सीनियर क्लासेस के लिए है, आपके लिए नहीं है। अगर जानना है तो चना देखो, चना को तोड़ते हो तो कैसा हो जाता है, दो पार्ट में, अब मटर का दाना दो पार्ट में होता है, जाओ तो करके देखना, मटर का दाना को लेना तोड़ना तो दो भाग में हो जाता है, अरे दो भाग में मतलब अच्छे से, जैसे चना जो होता है दो में फूट जाता है, मटर होता है, जाओ देखो अपना सर फोड़ो, जेपीसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देख लिए, यहाँ पुष्प होते हैं और इसमें पुष्प नहीं, और एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो नेकेड नहीं होते हैं, ढके हुए होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स आपको जो मिलेगा वो अच्छे से किसी केस में मिलेगा, मतलब फ्लावर के ही ऊपर, अगर अगर आप, हम यहाँ पे फूल तो नहीं लेके आए, अच्छा हमको कोई एक फूल कल लेके आइएगा, यही से है ना, उसके अंदर आप देखिएगा बीच में जैसे उड़ेल का फूल देखे ना, उड़ेल का फूल कैसा रहता है, चलिए बना देते हैं, फिर ऐसे पेटल्स होते हैं इस पर, होते हैं ना, ये बीच में ऐसे यहाँ पे पीला पीला दिखता है, वो पीला पीला जो दिख रहा है ना वही है पॉलन ग्रेन्स, पॉलन बोलते हैं, और ये मेल पार्ट होता है, मेल के लिए ये सिंबल यूज़ करते हैं, ये मेल होता है, और फीमेल कहाँ है, ये देखो ये जो बीच वाला मध्य पोर्शन है ये फीमेल पोर्शन है, इसी को बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो पॉलन है ये यहाँ पे गिरता है और फिर ये अंदर जाता है और यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये फिर सीड बनाएगा, ठीक है, ऐसा होता है, क्लियर है, अब ज़्यादा डीप मत जाओ, ठीक है, बेसिक इतना पता होना चाहिए था, ठीक है, बनाना है,
नहीं। तो इसी के साथ हमारा प्लांट किंगडम फिनिश। ठीक, देखिए बस इतना ही सब बात बोलना था, खत्म हो गया प्लांट्स। कुछ लिखना है तो लिख लो, इसमें से 2 मिनट दे रही हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ नोट इट डाउन। एग्जाम्पल क्या हो गया, यूकेलिप्टस, मैंगो, सब कुछ हो जाता है। लिख लिया आपने? चलिए थोड़ा सा विषाणु को पढ़ लेते हैं। एक क्विक रिवीजन, बोलते जाइएगा। कितना आसान था, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, है ना। हम लोग को जनरल टॉपिक याद रखना है। क्या क्या हम लोग ने देखा? पौधे जगत को हमने देखा, दैट इज़ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। एंड दिस प्लांट किंगडम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, दैट इज़ क्रिप्टोगैम्स, मतलब बीज, बिना बीज के पौधे, क्रिप्टोगैम्स लिखेंगे इसमें, बीज रहित। एंड फैनेरोगैम्स, इसको बनाते जाइए। क्रिप्टोगैम्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, एल्गी, एल्गी होगा, फिर क्या होगा, आपका रिवीजन होगा ना तो आपके ब्रेन में बैठ जाएगा। बोलते ना अनसाइए मत, बोलिए, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, पर हम क्या करें, दिस इज माय जॉब। ब्रायोफाइट्स, इसमें एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, क्या होगा, मॉस और वेरी गुड, जो अनसाएगा उसका नहीं होगा, आवाज सुनाई देनी चाहिए। अब क्या होगा अगला? ओह, बहुत लोग का नहीं हो रहा है इस बार, क्या होगा? कुछ लोग का हो रहा है, टेरिडोफाइट्स। इसके अंदर क्या आएगा? हॉर्स टेल, सिलाजिनेला, फर्न, फर्न्स, और क्या, इक्विसिटम। अब फैनेरोगैम्स में 2 ग्रुप क्या क्या, वेरी गुड, संदीप ही आंसर कर रहा है, संदीप तुम्हारा होगा। आज खुशबू नहीं आई क्या, आई है? अरे हाँ, जोर से बोलो तुम भी। चलिए फिर जिम्नोस्पर्म में क्या लिखेंगे, जिसके बीच वाले हो गए, नो फ्लावर्स या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें क्या हो जाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स।
पुष्प मौजूद होते हैं, पुष्प मौजूद, और यहाँ लिखिएगा बिना पुष्प के पौधे। ठीक है, बिना पुष्प के पौधे। अब इसके अंदर क्या आते हैं, इसमें लिख दीजिए इसमें आ गया साइकस, और पाइनस लिख लीजिए। तो इसमें आम, अमरूद, लीची, जो लिखना है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये पुष्प वाले पौधे। ठीक, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड लगाते हैं। लिख लिया आपने, सबने लिख लिया, मिटा दो। ऐसा करते हैं आज तो, क्योंकि स्लाइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लैपटॉप से, उसी में समय हो जाएगा। डिस्कस करते हैं अगली क्लास में हम लोग क्या जो चीज़ छूटे हुए हैं, जानवरों में घुसने से पहले कुछ बेसिक चीज़ कर लेंगे, क्या क्या हम लोग देखेंगे, एक ब्रीफ आपको बता देते हैं, है ना। गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिए, सभी लोग को कह रही हूँ, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप बीमार पड़ जाएं, ये बहुत ख़राब चीज़ होगी। बीमार इंसान 20 क्वेश्चन गलत कर ही देता है, ये बात याद रखिएगा। तो अपने आप को इग्नोर नहीं करना, आई अंडरस्टैंड कि आप लोग का एग्ज़ाम है और आप लोग अपने आप को पुश कर रहे हैं, बट खाना अच्छा खाइए, दही का सेवन शुरू कर दीजिए, कुछ भी, अगर मान लीजिए चावल ज़्यादा ही बना लीजिए रात भर उसको, जैसे साउथ में क्या होता है ना, जैसे मेरी नानी लोग बनाती थी, कंजी बोलते हैं उसको, मटके में ही चावल को रख दिया था। बिहार में भी सेम ही है, झारखंड बिहार सब जगह सेम, मैं तो मिक्स कल्चर है, तो वो मटका जो होता है उसमें चावल रख दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। मेरे घर में भी अभी भी मटका यूज़ होता है। ठीक है, मटके में चावल भर दिए, पानी भर दिए, रात भर छोड़ दिया, जो चावल बच गया। और हमको यहाँ तक पता चला है, आसपास के गांव में भी ऐसा होता है, पूरा गांव जो होता है गर्मियों में रोटी नहीं खाता है। तो उस अगले दिन क्या करिए, उसमें दही मिला दीजिए और फिर अलग से छौंक लगाइए कड़ी पत्ता का। कड़ी पत्ता में विटामिन B12 होता है, बी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा आपको मिल जाएगा, वाइटामिन्स में पड़ेंगे। और ओवर द काउंटर मेडिसिन से अच्छा क्या आप खाने में अपना व्यंजन में क्या डाल सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखेगा और दिमाग को अच्छा काम, फोकस रखेगा, बार बार जमाई नहीं आएगी। ठीक है, गर्म पानी है ना, हाँ क्या करोगी, हम भी पिए बहुत गर्म। तो एनीवेज, तो उसको फिर छौंक लगा दीजिए सरसों और कड़ी पत्ता का और उसको खाइए, वो आपका पेट ठंडा रखेगा। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, आपको पहले भी बताया था, गट हेल्थ अच्छा है तो आपका फोकस बहुत अच्छा होगा, थोड़ी नींद जैसे आएगी, लेकिन चाय वाय पी लीजिएगा बाद में, या कुछ कैसे भी अपने आप को जगा के रखिए, बहुत नींद नहीं आएगी। ठीक है, सुबह में कौन कौन चावल खा के आते हैं, हाथ उठाइए। सभी लोग चावल खा के आते हैं, तो दही मिला के खा के आओ जी। और अब ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा, हाँ हाँ, खाना कौन सा खाना है,
अच्छा नहीं, मीठा खट्टा मत करिए, जो दही मिल जाए कोशिश करिए, ज़्यादा खट्टा भी ना हो, घुसते रहिए आपके स्वाद अनुसार, है ना। कोशिश करिए वो जो मट्ठा होता है ना, मट्ठा एकदम बिना पानी पूरा निकला हुआ एकदम बढ़िया क्रीम जैसा, वो चावल बनाइए गरम गरम, उसमें एकदम डालिए, नमक डालिए, मिर्ची काटिए, मस्त खा के आइए, देखिए आपका कितना पावर बढ़ जाएगा, ब्रेन व्रेन सब अच्छा काम करेगा। कर्ड विल टेक केयर ऑफ़ योर प्रोटीन इनटेक, इट विल टेक केयर ऑफ योर गट हेल्थ, इट विल टेक केयर ऑफ योर मेनी बैक्टीरिया विच विल प्रोड्यूस अल्टीमेटली विटामिंस विच इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये करिए, ठीक है। दाल भी खा सकते हैं दोपहर वगैरह में, खा लीजिए अभी लेके आ गए या शाम में जाके, बट सुबह में कीप योर माइंड फ्रेश, फोकस्ड रहना है तो ठीक है। और जो अभी मेंस लिखने जा रहे हैं, सब लोग ही लिख रहे हैं, हम एक सलाह देंगे ऑफ द, ठीक है, तो तैयार रहिए, फोकस मजबूत करना है तो। चलिए, ये हम लोग अभी ये कौन सा जगत कर लिए थे, फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ। अब हमको एनिमल में घुसना है, एनिमल में घुसने से पहले ऐसे हम एनिमल ख़त्म करके कौन से इस पांच जगत के अलावा और कौन से जीव हैं जिनको इस जगत में नहीं रखा गया और क्यों, वो हम प्लांट्स ये एनिमल्स के बाद पढ़ाते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अभी पढ़ लीजिए, वो छोटा सा है, एक क्लास में हो जाएगा। उसमें क्या क्या आते हैं जिनको विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन से बाहर रखा, बोला ये भी होते लेकिन ये जीव नहीं होते, ये जीव नहीं है, तो ये क्या है, वायरस क्या है, जीव है, विषाणु जीव होता तो विटेकर साहब बेवकूफ़ थोड़ी थे, और हम लोग क्या बेवकूफ़ है, वो 1969 में बोले हैं, इतना साल हो गया हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वायरस क्या है, विषाणु जो होते हैं वो जीव नहीं होते हैं, उनको हमेशा लिखेगा ये पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं जो कि विच इज़ अ लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, वो कुछ लिविंग जैसा भी बिहेव करते हैं क्योंकि उनके पास कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और उनके और बाकी नॉन लिविंग थिंग की तरह रहते हैं क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, ठीक है, उनमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता, आप जैसे सांस ले रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पिरेशन ले रहे हैं, वायरसेस वैसा नहीं करते हैं, कैसा करते हैं वो भी जानेंगे। अभी का जो आप जितना भी पढ़े हैं ना, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत मददगार होगा, ये चीज़ जान लीजिए। पांच नंबर सोच रहे हैं पूरा कवर हो जाएगा। अब जो ये सेक्शन ख़त्म हुआ ना, तो उसके बाद मेन राइटिंग सेक्शन वाला टॉपिक हमारा आएगा, जो लंबा लंबा आंसर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, ये सब आएगा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, मेंडल, ये सब आएगा लिखने वाला। अभी है ऑब्जेक्टिव आपका, समझिए कंप्लीट लगभग। तो विटेकर साहब ने क्या किया था, जितने भी लिविंग वर्ल्ड हैं, लिविंग वर्ल्ड, उसको क्या किया था, पांच भागों में कर दिया था, क्या क्या, अब तो बोल दो, इतना बार रटवा दिए हैं, बोलो, मोनेरा, वेरी गुड, फिर प्रोटिस्टा, वेरी गुड, फिर हाँ फंजाई, हाँ ठीक है, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखिए, इतने चीज़ तो बताया कि ये जीव है, जीव दो तरह के होते हैं, निर्जीव और सजीव, तो ऐसा मत कहिएगा, जीव मतलब जीव होता है, आपको समझ में, सटायर समझते हैं, सटायर समझते हैं, नहीं समझते हैं, व्यंग समझते हैं, तो वही है, मतलब हमको ऐसा ऐसा कॉपी देखने को मिला, जीव दो तरह के होते हैं, एक निर्जीव एक सजीव, अरे भाई जीव कैसे हो गया, निर्जीव मतलब जीव हो गया, ऐसा भी कॉपी मिला, कोई बात नहीं, हो जाता है हड़बड़ी स्ट्रेस में। इसके अलावा मतलब जितने जीव हैं सबको इसमें रखा गया है, क्या क्या ऐसी चीज़ है जो इसके इसमें नहीं रखा गया, नहीं रखा गया है, बताइए। चलिए, जो नहीं रखा गया इसमें वो है वायरस, और बस इतू सा, प्रायोन्स, क्या है प्रायोन्स, बड़ी खतरनाक चीज है प्रायोन्स, प्रायोन्स एनसीईआरटी में है,
और भी चीज़ें, मतलब हम तो और लिख सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, चलो बताएं। रहा नहीं जा रहा है, वायरसॉइड्स, नहीं और छोड़ देते हैं, तो तुम लोग ये सिलेबस के बाहर का है, एक्साइटमेंट कंट्रोल करना चाहिए, वायरसॉइड भी छोड़ ही दो, थोड़ा सा बता देंगे, है ना। वायरस और प्रायोन क्या होता है, ये प्रायोन क्या है ये बता दो, इसकी कहानी बता देते हैं, कल स्लाइड्स दिखा देंगे, प्रायोन से शुरुआत करेंगे। प्रायोन सुना है किसने, किसने पहली बार सुना है, सुना है आप, सुने दिनेश, नाम सुना है, काम नहीं पता है, कौन कौन कोई थोड़ा सा भी जानता हो इसके बारे में। अरे बड़ी खतरनाक चीज़ है ये, ऐसी प्रोटीन पार्ट है हमारे बॉडी में, हमारा जो कोशिका होता है ना, कोशिका के मेम्ब्रेन में आपको हम क्या बोलते हैं, 50% से ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसमें से एक प्रोटीन होता है जो होता है प्रायोन प्रोटीन, हमारे अंदर प्रेजेंट होता है हर एक कोशिका के आवरण में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये प्रायोन प्रोटीन नॉर्मली प्रेजेंट रहता है, लेकिन कुछ कारण से कारण भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, कुछ कारण से ये म्यूटेट हो जाता है। अब ये म्यूटेशन क्या बला है भाई, हम लोग पढ़ेंगे अगला सेक्शन में, डीएनए म्यूटेशन, उसकी संरचना, है ना। तो इसमें म्यूटेशन होने के बाद जानते हो भैया ये बड़ा जाता है, जो भी, अब ये देखिए कोशिका है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं इसमें, अलग अलग तरह के भांति भांति के प्रोटीन्स इसमें फंसे हुए हैं, है ना, दिखाया था ना लिपिड बाई लेयर, इसमें से कुछ प्रोटीन्स हमारा समझिए प्रायोन्स प्रोटीन है। अब किसी कारणवश, और वो कारण क्या है अभी बताएंगे, मान लीजिए कुछ प्रोटीन आपका प्रायोन प्रोटीन है, ठीक है, किसी कारणवश ये पगला जाता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो क्या हो गया, तो क्या दिक्कत है, बाप रे बाप, इसके अगल बगल की जो कोशिका है उसमें भी प्रायोन प्रोटीन होगा, ये इसे जैसे ही सटा ठेक गया तो ये भी प्रायोन प्रोटीन्स, म्यूटेटेड प्रायोन प्रोटीन्स बन जाएगा, इस तरीके से इतने सारे जितने भी कोशिकाएं उसमें फैलता जाएगा और आप तड़प तड़प के मर जाइएगा, सही बात है। और ये ज़्यादा ब्रेन में होता है, और क्यों होता है पता है, बोलते हैं ना किसी से गुस्सा था तुमको हम कच्चा चबा जाएंगे, मतलब कैनिबलिज्म। एक साइंटिस्ट थे, वो अफ्रीका में गए थे विचरण करने, यही काम रहता है, हम भी विचरते थे बहुत, अभी भी विचर रहे हैं, कल भी विचरना है, ठीक है। तो वो गए थे एक ट्राइब्स के पास, वहाँ देखे छोटे छोटे बच्चे जो हैं, सीजर्स आता है मिर्गी का दौरा जैसा, अब ये नहीं कि अब ये मत कह दीजिएगा कि मैम बोली है कि मिर्गी जिसको वो आदमी का मांस खाता है, ठीक है ना। तो मिर्गी बहुत कारण से, मेरी जो पीजी की पढ़ाई जेएनयू में थी, मैं मिर्गी पे ही काम कर रही थी, मिर्गी की दवा बनाने में मेरा रोल था, ठीक है। अभी तक दुनिया में सिर्फ 17 से 18 ड्रग्स हैं जो मिर्गी की दवा बनाया गया अभी तक, बहुत सीरियस बीमारी है, कहने का मतलब इंडिया में इसका कम है एपिलेप्सी, क्यों, हम लोग हल्दी खाते हैं, इसलिए हल्दी खाइए, इसलिए हम कल भी बच्चों को सलाह दे रहे थे, सुबह उठिए हल्का सा सुसुम पानी, गर्मी में क्या ही गर्मी, ठंडा भी चलेगा, ऐसे ही गर्म रह रहा है पानी, तो बस हल्दी थोड़ा सा टच कर दीजिए और पीजिए, वो थोड़ा सा उसमें करक्यूमिन होता है, वो आपके ब्रेन को बहुत स्टेबल रखता है, आई यूज़ इट, हमको खुद ही देखिए, पूरा दिन मेरा इतना हेक्टिक होता है, 7 बजे कोर्ट, उसके बाद यहाँ, उसके बाद सन जेवियर्स, उसके बाद फिर कोचिंग, उसके बाद अपना पढ़ना होता है, तो ये सब के लिए एक बहुत बैलेंस्ड माइंड चाहिए, हम कर सकते हैं ना, बहुत साधारण व्यक्ति, सब लोग कर सकता है, मजाक नहीं कर रहे, कर सकते हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।